गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सैम। मैम, मैं सॉरी मैम, लेट हो गई मैम। मेरा वाईफाई का कुछ मसला था, ठीक हो गया। कोई बात नहीं सैम, मैंने अभी क्लास स्टार्ट ही नहीं की बेटा, मैं तो बच्चों का खुद ही वेट करती हूँ। 10 मिनट बच्चों से बात ही इसीलिए करती हूँ कि जो बच्चे हैं लेट हुए हैं वो आ जाएं क्लास में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी स्टार्ट ही नहीं की है क्लास। चलो देखो, आज के क्वेश्चन थोड़े लेंदी भी हैं, थोड़ा ध्यान से करना, लेकिन इतने टफ नहीं है। तो मैं पहला क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप। हाँ बेटा बोलो। मैम मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही, नेटवर्क ही शो हो रहा है, तो मैं क्या क्लास लेफ्ट कर सकती हूँ? मैम रोहिणी लेफ्ट तो मत करो, लेकिन ये कि ट्राई करो कि अगर दिखता रहे तो पढ़ो, क्योंकि आज के क्वेश्चंस ना कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप अपने आप कर नहीं पाओगे आप लोग, और फिर कल टेस्ट में अगर उस टाइप के क्वेश्चंस आ गए तो फंस जाओगे। ठीक है, तो कोशिश ये करो कि आप रीज्वाइन करो, लेकिन क्लास लो, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी आपको मिल नहीं पाएगी। अगर मैं ये डायरेक्ट रिकॉर्डिंग का लिंक आपको दूंगी तो उसके लिए नेट की स्पीड बहुत अच्छी चाहिए। तो ये आप कोशिश करो कि मतलब ट्राई करते रहो कि ले पाओ क्लास। और ये कहाँ गया हमारा तुषार पाल? तुषार स्क्रीनशॉट ले लेना आज का। ओके मैम, अभी 46 स्टूडेंट हैं और बाकी देखते हैं कितने हैं। तो देखो, जैसे कि आप देख रहे हो, ये पहला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली। तो देखो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि आइसोथर्मली का क्या मतलब है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, ये आप लोगों को शायद याद होगा। आप लोग थोड़ा रिवाइज करके आए हो इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक। यस यस मैम, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल। वेरी गुड, कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा मैम। प्रेशर कांस्टेंट, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और जीओसी के लिए कोई बच्चा टेंशन ना करे, जीओसी हम पूरा पढ़ेंगे दोबारा दबा के ढंग से। ठीक है, अब देखो, 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबल फ्रॉम 2 लीटर टू 20 लीटर। मतलब कि रिवर्सिबल जो प्रोसेस हो रहा है हमारा, 2 लीटर से 20 लीटर हो रहा है, और जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, दी एंथैल्पी चेंज इन, ठीक है, फॉर दी प्रोसेस इज क्या होगा, किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। तो देखो, यहाँ पे आज मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगी आंसर, क्योंकि सारे क्वेश्चन लेंदी हैं और टाइम भी कम है। आज मैं क्लास एक्सटेंड भी नहीं कर सकती, 11 कर लूं, 11:30 कर लूं, क्योंकि फिजिक्स की क्लास है आपकी। तो मैं आज, आप शांति से सुनना, ज्यादातर क्वेश्चन मैं सब मैं लिख के समझा के कराऊंगी आपको। ठीक है क्या? ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है बेटा आपका ए बी और सी। तो देखो, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक सेकेंड बस। तो देखो, ऑप्शन हमारा दिया है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब देखो, क्वेश्चंस में अगर आप पढ़ोगे तो प्रोसेस है आपका आइसोथर्मली। ठीक है, मैं लिख देती हूँ हर पॉइंट, कि जिससे किसी बच्चे को अगर ना आए समझ में तो दिक्कत ना हो। हमने पढ़ा था ऐसा थ्योरी में कि आइसोथर्मल प्रोसेस पे जो टेम्परेचर होता है वो जीरो होता है, पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को, यस मैम, है ना? तो यस ये मैम, होगी आइसोथर्मल की बात। अब दूसरी बात ये है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा है। ठीक है ना, कि रिवर्सिबल प्रोसेस मेडिकल में जो दे रहा है के मैम लिए, डेल्टा टी होगा ना? वो हाँ वो तो अभी, लेकिन डेल्टा टी बाद में लेंगे, अभी तो मैं समझा रही हूँ ना सैम पूरा प्रोसेस। मैम अलीशा, हाँ एलिशा, मैम इसको डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू से सॉल्व होगा ना? नहीं, 2 तरीके हैं इसके, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने कहा ना, मैं सॉल्व कर लूं पहले, फिर आप लोग सुनो आज। ठीक है, यस मैम, आइसोथर्मली हो गया, वरना ऐसे टाइम चला जाएगा, और रिवर्सिबल प्रोसेस है। और हमने ये पढ़ा है कि रिवर्सिबल के लिए जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये पढ़ा है ना आपने? ठीक यस मैम, है, अब उसने ये कहा है कि 2 लीटर से, ठीक है, फ्रॉम कितने लीटर तक जा रहा है, 20 लीटर तक जा रहा है। ये पहले मैं कंडीशंस बता रही हूँ क्वेश्चंस की, ताकि जिन बच्चों को नहीं आता है या याद नहीं है आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, तो उनको याद रहेगा। उसके बाद जो टेम्परेचर दिया है हमारा, वो 300 केल्विन दिया है। ठीक है, ये कंडीशन हमें दी है।
अब एक और इम्पोर्टेंट बात, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एंथैल्पी चेंज, ठीक है। और एंथैल्पी चेंज क्या होता है, डेल्टा एच, ठीक है। क्या इतनी बात सबको समझ में आई, है ना। एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लो ताकि सबको समझ में आए। आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसके लिए टी इक्वल टू जीरो होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी, ठीक है, क्या होती है आपकी, कॉन्स्टेंट होती है। और दी एंथैल्पी चेंज आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना। चलो अब देखो, अब हम लगाएंगे फॉर्मूला, क्योंकि हमने पढ़ा है एक टॉपिक पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पढ़ा है ना सबने। तो जब एनआरटी को हम पीवी भी लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ पे ये जो एंथैल्पी चेंज होगा आपका, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं एंथैल्पी एन इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी, ये फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। तो आप पीवी की जगह पे एनआरटी भी ले सकते हैं। तो एच इज इक्वल टू ई प्लस एन आर वी, क्लियर है। और अभी मैंने आपको ऊपर बताया है यहाँ पे बच्चा पार्टी, क्या कि आपका जो टेम्परेचर था, ठीक है, वो भी कांस्टेंट है क्योंकि जीरो है, और जो इंटरनल एनर्जी है होगा ना, ये भी कांस्टेंट है। यस मैम, यहाँ पे पीवी की जगह एनआरटी होगा, एनआरटी होगा मैम, वी की जगह क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो आपने, पीवी की जगह एनआरवी लिख दिया, एनआरटी होगा। अच्छा अच्छा, वो बाय मिस्टेक हो गया, मेरा ध्यान थोड़ा समझाने में भी है ना, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल ना आज के थोड़े लेंदी हैं, इसलिए तो जो जितना ज्यादा ध्यान से सुनेगा ना उतना ढंग से समझ में आएगा। अब हमें निकालना है चेंज, तो अब देखो फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस क्या बन जाएगा, डेल्टा एनआरटी डेल्टा आर डेल्टा टी, ठीक है, ये बन जाएगा। अब एक बात बताओ, इसकी वैल्यू जीरो है और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एनआर लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू भी जीरो है आपकी, तो आपकी जो चेंज इन एंथैल्पी आ गई वो क्या आ गई, जीरो जीरो जीरो। तो देखो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा, डी 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 ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके कल के पेपर में आपको मिलेंगे। हाँ बोलो मैम, देखा जाए तो आपने यहाँ पे एंथैल्पी के फॉर्मूले में डेल्टा टी क्यू लिया है, आइसोथर्मल तो मतलब कांस्टेंट होता है ना टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को हम अगर 300 रख के सॉल्व करें तब भी तो ये सॉल्व हो सकता, हाँ तब भी हो सकता था, कई तरीके से कर सकते हैं हम इसे, हम इसे डायरेक्ट आंसर 4.9 समथिंग कुछ आ रहा है, 4.9 किलो जूल, 4.9 किलो जूल आ रहा है। नहीं तो हमें अलीशा तुम्हें क्वेश्चन करना कैसे है, आपको तो ऑप्शंस के हिसाब से क्वेश्चन करना है ना। यस मैम, भाई हमारे देखो इसमें क्वेश्चन में ही हिंट दे दिए ना, वैसे तुम इस क्वेश्चन को और भी तरीके से कर सकते थे, एक और से तुम इसमें डब्ल्यू वाला फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, लेकिन उससे आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें उस हिसाब से क्वेश्चन करना है जो पूछा है और जिस हिसाब से हमारे ऑप्शन है। मैम क्या ऑप्शन गलत नहीं हो सकते है, नहीं अब ये गलत हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन जो पेपर आपके पास आता है ना वो टीचर उसको क्रॉस चेक करके भेजते हैं, वेरीफाई करके, तो वहाँ गलत क्वेश्चन आपको कोई नहीं मिलेगा, ना ही गलत आंसर की मिलेगी, वो हम चेक करते हैं इंडिविजुअली टीचर्स आपके। मैम हाँ मैम, क्वेश्चन में वैसे मैम दे रखा था मैम, वर्ड में अगर देखे तो आइसोथर्मल है तो मैम उससे चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाएगा, और आइसोथर्मल रिवर्सिबल है तो मैम इंटरनल एनर्जी भी जीरो होगी, मैम डेल्टा एच और डेल्टा यू की वैल्यू जीरो और वर्क डन की वैल्यू जीरो, तो मैम वैसे भी तो कर सकते हैं बिना कैलकुलेटर की डेल्टा जीरो, वैसे भी कर सकते हो, तो भाई मैंने वो तो बोला ही है आपको, देखो न्यूमेरिकल कई तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्टकट नहीं करा सकती। क्यों नहीं करा सकती, क्योंकि आपकी कैपेसिटी अच्छी है, शॉर्टकट कर लेते हो आप, समझ जाते हो, लेकिन इस बैच में चारों बैच के बच्चे हैं हमारे, हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जिसे ये ही नहीं पता कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, उसमें टी की वैल्यू क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, तो इसीलिए ठीक है, तो इसीलिए एमसीक्यू में तो कॉमन सेंस से भी कर लेते हैं, ऑप्शन का यूज करके भी हो जाता है ना, आप कर लेते हो, लेकिन हर बच्चे का लेवल नहीं है वो, तो आपको सॉल्व करके कराना पड़ेगा, और हमारा एक हमारे एज ए टीचर्स हमारी ड्यूटी है कि हमारी क्लास में अगर अभी राइट नाउ 46 बच्चे हैं तो हर बच्चे को आज की क्लास समझ में आए, क्योंकि उसे कल का पेपर देना है,
मैम मैं मतलब मेरे को इसमें ना कंफ्यूजन ही हो रही थी कि जैसे इसमें आइसोथर्मल बोला है और टेम्परेचर भी गिवन है, तो आइसोथर्मल मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बिल्कुल टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमने डेल्टा टी लिया ही क्यों है, जब टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा तो हम उसे टी भी तो रख सकते थे डायरेक्ट। मैम वो डेल्टा टी थ्री क्वेश्चन हंड्रेड में मैं माइनस पूछना चाह रही हूँ, थ्री हंड्रेड नहीं रख सकती डेल्टा हो। थ्री 300 माइनस 300 होके जीरो ही तो हो जाएगा मैम, अरे थ्री भाई हंड्रेड जीरो माइनस हो जाएगा जीरो, मैम कहाँ डिनाई कर रही है उसको, लेकिन मैंने आपको बताया है ना कि मैंने पूरा क्यों सॉल्व कराया है। यहाँ पे यस हर मैम। बच्चा ऐसा है जिसको पूरे कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, यहाँ मेरे कैटलिस्ट के बच्चे भी हैं। ठीक ओके मैम, ओके अच्छा मैम, है, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल, इन सब बातों को कहने से अच्छा आप टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दें। जिनको आता है हम इसे कई तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को, आई एग्री विद यू, ठीक है, लेकिन इसमें कोई बच्चा हो सकता है ऐसा हो जिसने क्लास ही नहीं ली बहुत टाइम से और भूल गया है, मैम पर गुड इवनिंग, उसे गुड इवनिंग, उसे यही नहीं पता आइसोथर्मल क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है, डेल्टा एनटी आरटीवी भी क्या होता है, तो ये सब तो उस बच्चे को बताना पड़ेगा ना। यस मैम मैंने जो यस फॉर्मूला लगाया था ना मैम डेल यू प्लस डब्ल्यू वाला मैम, उससे भी जीरो ही आंसर आ रहा है। मैम, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो आप लोग की मर्जी है, आपके पास चॉइस है, आप किसी भी तरीके से करो, ठीक है। जैसे मेरे पास, मैं क्वेश्चन को 10 तरीके से सॉल्व कर देती हूँ तो वो मेरा आंसर करेक्ट आना चाहिए, लेकिन हमें पूरा कॉन्सेप्ट बताना इसलिए है क्योंकि कुछ बच्चों के बेसिक्स इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, यहाँ पे सारे बच्चे हैं, ठीक है, यस मैम, तो कृपया करके आप इन वाली चीजों पे आज टाइम ना खराब करें, वरना देखो मैम हम साढ़े आगे साढ़े बढ़ते हैं बस। यस मैम सात एक्सक्यूज हो गए करा हैं, मैं फिर दीजिए मुश्किल से 5 या 6 क्वेश्चन करा पाऊंगी 1.5 घंटे में, और मैम, फिर आपको एक्सक्यूज क्वेश्चन मुझे करा भेजने पड़ेंगे, खुद करने पड़ेंगे, मैम, ठीक है। एक्सक्यूज करा दीजिए। यस हाँ इसीलिए तो बोल रही हूँ आपको, बार बार एक ही बात समझा रही हूँ, अभी अगले क्वेश्चन पे आओ, क्योंकि मैं तो बेसिक पूरा बता के चलूंगी आपको आज। मैम, आज मैम तो सबका दिमाग बहुत तेज चल रहा है। आज आज सबका दिमाग आई, सच्ची बात है, तेज चल रहा है। कभी जोर जोर से मैं सबका भी दिमाग चुप चलता बैठा है। था क्योंकि मेरा आंसर आ गया था, पर मैं कुछ बोला नहीं। नहीं बोलने से आई मैम उस मैं टाइम इस खराब क्वेश्चन हो का जाता है जवाब ना, दे अब मैं रहा हूँ। हर मैम समझ टाइम खराब होता है और फिर कुछ समझ में नहीं आता, कैसे नहीं समझ आता, आती है। अब मैं मैम हर मैं एक बच्चे का चीज और आंसर कर दूंगी दूँ, तो टाइम खराब हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये बात आज पहले ही बोली थी क्लास में। घंटा चले गया पूरे मैम क्वेश्चन मगर शांति से बैठ के सुनेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, वरना फिर बस कंफ्यूजन प्लीज, होता है वही मैं सबको कह हो रही जाता थी, तो है। प्लीज आप लोग ओके शांति बना के रखो, नहीं तो म्यूट मुझे म्यूट करना पड़ेगा आप सबको आज यहाँ से। कर बोला दो, मैं चैट से देख लेके। मैम म्यूट कर दो आप। यही कर देती हूँ मैं, नहीं तो कोई ना कोई डिस्टर्ब करता रहेगा, मैं क्लास नहीं में नहीं 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 मुश्किल नहीं से नहीं नहीं 5 क्वेश्चन करा के जा रहने दो, पाऊंगी म्यूट फिर मत आज। करो, नहीं 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 मैम नहीं, मैम चैट म्यूट मैम मत वो नहीं, करो, नहीं मैम म्यूट वॉकआउट कर रही हूँ कर अभी। दीजिए, मैम मत करो, मैम वोट ले लो डायरेक्ट। मैम पर रिप्लाई लेने देने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। नहीं जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो मैं पूछ लूंगी, यस चलो नहीं मैम कर रही फिर शांति से पढ़ा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो भी पूछेगा कुछ कहेगा चैट सेक्शन में लिखेगा, मैम पोल करा दो, शांति को दान दो सब, नहीं शुक्रिया। आयुष पोल में तो टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन आज की ज्यादा डिफिकल्ट है ना, लेंदी, अभी तो मैंने बहुत हल्का क्वेश्चन कराया, अभी कुछ लेंदी मैम क्वेश्चन नेक्स्ट किए हैं। क्वेश्चन, अभी देखो अगला क्वेश्चन है ये, अ रिएक्शन हैज, ठीक है, डेल्टा एच इज इक्वल टू -3 किलो जूल एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू, ठीक है, -50 जूल किलो, दिस रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, तो इसका आंसर अगर आप बता सकते हो तो सोच के बताओ, नहीं तो शांत रहो, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, इसमें वाला आ रहा है फॉर्मूला दिमाग लगा में? मैम बी होगा इसका, डी, बी बी डी नहीं बी गलत है, अब देखो एक बच्चे ने गलत आंसर बता दिया तो होगा मैम। डेल्टा अब सुनो शांति से, मैं बता रही हूँ यहाँ पे एस डेल्टा माइनस टी एस। डेल्टा एस लगा सकते हैं। अभी देखो आंसर इसका, डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो -58 जूल पर कैल्विन दे रखी है, ठीक है, कल आपको खूब मौका मिलेगा, डोंट वरी, जिसमें जितना जोश है कल के पेपर में दिखाना, ठीक है, जिसका जो मन करे वो आंसर लगा के आना, लेकिन सही, तो देखो ये वैल्यू दे रखी है, और आप लोग जानते हो डेल्टा जी हमारा क्या होता है बच्चा पार्टी, गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ओके, और अगर हमें रिएक्शन स्पॉन्टेनियस चाहिए तो हम ये जानते हैं
कि डेल्टा जी हमारा स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होना चाहिए, नेगेटिव, लेस देन जीरो, है ना? ये आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले ही, बिल्कुल सही बात है, डेल्टा जी एंड लेस देन जीरो, राइट। तो अब आप यहाँ फॉर्मूला अगर लगाओगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है? तो देखो डेल्टा एस आपका क्या है, नेगेटिव, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, साइन बदल जाएंगे जब आप फॉर्मूले में पुट करोगे। अभी इसकी वैल्यू कितनी में दे रखी है, नेगेटिव में दे रखी है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ माइनस है ये, ठीक है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस मैम। चैट सेक्शन में लिखते रहो मेरे को, फटाफट से बोलते रहो चैट सेक्शन में। अब देखो तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच गुड प्लस टी डेल्टा एस, तो ये आपका क्या हो गया, प्लस में, और ये आपकी वैल्यू हो गई नेगेटिव में। तो अगर हमें चाहिए हमारा ये जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस हो, तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो एक बात बताओ, फिर डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? और ये कब होता है, लो टेम्परेचर पे होता है, और जब रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होती है तो बच्चा बाटी फिर आंसर क्या होगा, स्पॉन्टेनियस ब्लो अ सर्टेन टेम्परेचर, तो डी ऑप्शन कैसा हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस काफी इजी था, तो ये आज के जितने भी स्लाइड में क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन क्या मैम, लास्ट स्लाइड, क्वेश्चन वाली स्लाइड, नोट कर रहे हो क्या? यस मैम, इन शॉर्ट आज आज नोट मत करो, मैं भेज दूंगी नोट्स फ्रेंड्स, आज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने दो भाई मुझे, वरना सारे क्वेश्चन खुद ही बैठ के करने पड़ेंगे अकेले आज। अभी अगला क्वेश्चन देखो, ये काफी लेंथी क्वेश्चन है, पहले आप लोग पढ़ो मन में और समझने की कोशिश करना क्वेश्चन को। अ रिजिड एंड इंसुलेटेड टैंक ऑफ 3 मीटर क्यूब वॉल्यूम इज डिवाइडेड इंटू टू, ठीक है, कंपार्टमेंट, एंड 1 कंपार्टमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 मीटर की क्यूब, राइट, कंटेन एन आइडियल गैस एट, कितनी दी है, 0.831 MPa, ठीक है ना, एंड 400 केल्विन टेम्परेचर, एंड वाइल द सेकंड कंपार्टमेंट ऑफ 1 मीटर क्यूब कंटेन कर रहा है द सेम गैस 8.314 MPa एंड 500 केल्विन, तो इफ द पार, ठीक है, बिटवीन द टू कंपार्टमेंट, ये क्वेश्चन पहले ये बताओ आप लोगों को पढ़ के समझ आ रहा है? जिसको समझ आ रहा है, क्योंकि सब एक साथ बोलते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है आज। वाला क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, मेरा कुछ नेटवर्क इशू हो गया था। कौन सा वाला क्वेश्चन रिपीट कर दें मैम, जो इससे पहले वाला है? ओफो, हिमानी में कुछ भी नहीं है इसमें, देखो ये वाला क्वेश्चन काफी इजी था, इसमें ये वैल्यू दे रखी है, आपको बताना था कि जो रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस और टेम्परेचर पे होगी या किस पे होगी, तो हमें पता है डेल्टा एस की वैल्यू दी है और डेल्टा एच की वैल्यू भी दी है, तो अकॉर्डिंग टू गिब्स फ्री एनर्जी, जब आपको रिएक्शन स्पॉन्टेनियस चाहिए तो डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है और नेगेटिव होती है वैल्यू। इसके लिए मैंने एक चार्ट भी दिया था तुम्हें जब मैंने नोट्स पढ़ाए थे, ठीक है? तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना, तो डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस आएगा, तो ये रिएक्शन हो जाएगी स्पॉन्टेनियस बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है? अभी मैं सबसे पहले देखो वो न्यूमेरिकल करा देती हूँ जो आज के इसमें सबसे टफ है, इजी न्यूमेरिकल तो तुम कर ही लोगे। देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले आंसर समझो, यहाँ पे हम 2 कंटेनर बना लेते हैं, ठीक है, बना लें। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझ आया? यस मैम। कुछ बहुत कम बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया है, और बहुत कम बच्चों, बहुत सारे बच्चों को नहीं आया, कोई नहीं, इसीलिए मैं समझा रही हूँ। तो देखो ये मान लो, हमने मान लिया फर्स्ट कंटेनर, यहाँ पे दे रखा है कंटेनर, आप देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है, कंपार्टमेंट दे रखा है, ठीक है, एक कंपार्टमेंट, 1 कंपार्टमेंट ये हो गया और एक सेकंड कंपार्टमेंट ये हो गया, तो मैंने 2 कंपार्टमेंट बना दिए, एक कंपार्टमेंट फर्स्ट और एक कंपार्टमेंट सेकंड, ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ आ जाए। अब ये देखो जो कंपार्टमेंट 1 है उसका जो वॉल्यूम है वो 2 दे रखा है, क्वेश्चन अपने आप पढ़ लेना, दिखाई दे रहा होगा 2 मीटर क्यूब दिख रहा है? यस मैम, ठीक है, और जो उसका प्रेशर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.834
फोर, इज दैट क्लियर? अब कंपार्टमेंट टू पे आ जाओ, वी इक्वल टू वन एंड पी इक्वल टू 8.314 दे रखा है, तो ये हो गया हमारा कंपार्टमेंट बना लिए हमने। अब यहाँ देखो दूसरी चीज, इसका जो टेम्परेचर है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका जो टेम्परेचर है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। पहले मुझे ये बताओ चैट सेक्शन में लिख के फटाफट, इतनी चीज सबको क्लियर है? Yes, ma'am. अब देखो हमें करना क्या है, हमें बताना है कि शुरू में इसने क्या किया, दो कंपार्टमेंट को सेपरेट कर दिया, यानी कि एक कंपार्टमेंट ये और एक कंपार्टमेंट ये। बाद में उसने जो कंपार्टमेंट सेपरेट किए थे वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, मिक्स होने लगेंगे, और जब वो धीरे धीरे मिक्स होने लगेंगे तो इक्विलिब्रियम हमारा रिवर्स होने लगेगा। तो देखो सबसे पहले हमें करना क्या है कि कैलकुलेट मोल्स, ठीक है, कैलकुलेट करने हैं पहले कंपार्टमेंट के लिए हमें मोल्स। और आपको पता ही है कि मोल्स कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी आइडियल गैस के लिए, पढ़ाया है नहीं पढ़ा? तो जब आप एन की वैल्यू निकालोगे तो आप ये लिख सकते हो पीवी अपॉन आर टी इक्वल टू एन, लिख सकते हो है ना? और हमें पास्कल में कन्वर्ट करना है, तो पास्कल के लिए क्या करते हो 10^6 कर देते हो। तो अब देखो आपके पास सारी वैल्यू गिवन है, ये हम वन कंपार्टमेंट के लिए निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं मोल, तो जरा वैल्यू लगा दो, पी की वैल्यू कितनी है 0.8314 × 10^6 एंड 8.314 × 400। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 500, ठीक है। अब देखो सॉल्व करके खुद देखना और अभी पहले समझ लो अच्छी तरीके से, मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है पूरा। अब आगे देखो, ये तो हमारा पहले के लिए निकल आया, बाय सॉल्व करके आपका 500 आ गया आंसर। अब अगर हम अगले टॉपिक की बात करें, यानी कि केस नंबर टू के लिए कैलकुलेट करो, तो क्या होगा, पीवी अपॉन आर टी इक्वल टू एन, तो बताओ वैल्यू क्या है, 8.314 × 10^6 एंड इंटू, मैम फर्स्ट केस में मल्टीप्लाई में 2 नहीं आएगा वॉल्यूम, किसमें मैम फर्स्ट केस में वॉल्यूम मल्टीप्लाई नहीं होगा, आएगा 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 आएगा, ठीक है। तो अभी देखो तो 1000 होगा है, 1000 होगा फिर, हाँ इसको सही कर लो, 1000 हो जाएगा ये, हाँ आएगा वॉल्यूम आएगा मैम। सेकंड वाले का 10^7 आ रहा है, 2000 आएगा इसका मैम, सेकंड केस का। इसको कैलकुलेट कर लिया ना आपने, एक बार कैलकुलेट भी करके देख लेना मैम, अभी देखो 1000 ही आएगा, 8.14 × 500 तो ये आएगा आपका 2000, ठीक है मैम। मेरा 200 आ रहा है, 200 आएगा ना, अरे भाई एक बार सॉल्व करो, क्योंकि पहले मैंने सॉल्व किया था ये, लेकिन मैं इसमें 2 लगाना भूल गई, तब 500 आ रहा था, 500 आएगा फर्स्ट केस का, यस मैम 500 आ रहा है, पहले वाले का 500, सेकंड का 200, फर्स्ट का 5, सेकंड का 4, सेकंड का 2 है, 200 200 नहीं है 2000 आएगा, ढंग से कैलकुलेट करना, बाद में कर लेना कैलकुलेट, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ देखो, ठीक है, अब हमारा क्या हो गया नंबर, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ बेटा, ठीक है, मैं कंफ्यूज कैसे हो सकती हूँ, 1000 आ रहा है मैम, क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहा है, 2000 ही आ रहा है, वो पहले मैंने कैलकुलेट किया हुआ है ये क्वेश्चन, मैं कभी क्वेश्चन पर भरोसा नहीं करती, मैं हमेशा अपने हाथ से कैलकुलेट करती हूँ क्वेश्चन, लेकिन मैं 2 लगाना भूल गई थी, ठीक है, वो 2 आएगा उसमें, क्योंकि उसकी वैल्यू दी है हमें 2 मैम। अगर क्या 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 बोलो मैम, अगर 2 लगे तो 1000 आएगा ना फिर, रुको मुझे सॉल्व करने दो, तुम लोग मुझे कंफ्यूज कर रहे हो मैम, मैं कर रही हूँ, एक मिनट देखते हैं क्या आता है, आप भी करिए, मैं सॉल्व कर रही हूँ इसको,
मैम 500 ही आ रहा है, मैंने कर लिया पूरा, सही आ रहा है मैम 500 नहीं, मैं मुझे मैं करके देखती हूँ अभी। अरे परेशान मत, यस मैम 500 आएगा यहाँ पे, 0.2000 ही आएगा, हम सॉल्व कर लिया, 2000 ही आ रहा है, 500 आएगा ही, मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं कभी भी क्वेश्चन वाले का यस मैम मुझे मैम यस फर्स्ट वाले का 500 और मुझे कंफ्यूज कर रहे हो आप लोग, 2000 मैं आपसे टिंट का 2000 है ना आ गया परवीन मैम, ना मैं हमेशा एक चीज तुम्हें भी बोलती हूँ कि किसी पे भरोसा मत करो, खुद के दिमाग पे भरोसा किया करो, कैलकुलेशन ध्यान से करा करो, और मैं जब भी कोई भी पेपर हो चाहे बुक हो, मैं कभी भी उसकी कैलकुलेशन पे भरोसा ही नहीं करती, हर क्वेश्चन अपने हाथ से सॉल्व करके देखती हूँ पहले, ये सारे क्वेश्चंस मैंने जो भी कराए हैं ना एक बार इनकी कैलकुलेशन क्रॉस चेक की है मैंने, क्योंकि प्रिंटेड में हमेशा गलती हो जाती है, इंडियन राइटर्स की बुक में बहुत गलती है, और मुझे बोल रहे हो कि मैम आप कंफ्यूज हो रहे हो, तुम खुद कंफ्यूज हो गए देखो उस मैंने, क्योंकि मेरे को आइडिया रहता है कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या है, दो नहीं लगाया उसके बाद भी मैंने करेक्ट आंसर कैलकुलेट किया है, क्योंकि हम लोग हर साल क्वेश्चंस कराते हैं तो ये क्वेश्चंस हमें ऑन टिप्स याद भी हो जाते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो भाई हो सकता है तुम सही कह रहे हो, तो मैंने एक बार चेक कर लेते हैं, टाइम खराब कर दिया मेरा, 2000 ही है, अच्छा खासा 1.5 मिनट निकल गया, कोई बात नहीं हो जाता है, बच्चों की गलती नहीं है, ये बच्चे अभी इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे तो उस दिन नीट का पेपर दे देंगे ना, ठीक है, तो अभी तो हमारा फर्ज है इनको सिखाना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो होती रहती है चीजें, से कोई फर्क नहीं पड़ता है मैम, साथ का सॉल्व कर रहे ना, कैलकुलेशन मिस्टेक तो हो जाती है, वो हाँ हो जाती है, मैं तो खुद ही कह रही हूँ आप लोगों से, बाद में करके देखना, टाइम लगता है भाई, फिजिकल के न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन लंबी होती है, लेंथी होती है, और परवीन मैम अपनी बात पे बहुत श्योर रहती है, इतने टाइम से पढ़ रहे हो तुम, आज तक कभी भी कोई मेरी क्लास में तुमने गलत क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, कभी कोई क्वेश्चंस का आंसर गलत नहीं गया होगा, हुआ है आज तक कभी मेरी क्लास में ऐसा? मैम आ गया 2000 ही आ रहा है आंसर, और वो होता इसलिए क्यों नहीं है पता है क्यों, बताती हूँ मैं आपको, क्योंकि देखो मैं भी भगवान नहीं हूँ, गलतियां तो किसी से भी हो जाती है, भले ही किसी को कितना भी आता हो, लेकिन मैं एक बार चीजों को क्रॉस चेक करती हूँ, और करना भी चाहिए, हम बुक पे भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है, और जो आपको हम पेपर देते हैं वो भी क्रॉस चेक होता है, अगर हम आपको ऐसे ही उठा के दे दें रैंडम, तो हो सकता है पता नहीं कितने आंसर गलत होंगे उस पेपर में, भाई प्रिंटिंग मिस्टेक कहीं भी हो जाती है, मान लो उसने यहाँ पे पॉइंट हटा दिया, या मान लो कोई और डिजिट लगा दी गलती से टाइपिंग में हो गया, तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, तो चलो अभी यहाँ तक तो सॉर्टेड है, सॉर्टेड, यस मैम, देखो नंबर ऑफ मोल्स, अब इस तरीके के केस में हमेशा नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो सेम आते हैं बिफोर भी एंड आफ्टर भी रिएक्शंस के लिए, बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन, ठीक है भाई, बार बार क्या कह रहे हो, किसी ने कुछ पूछा है क्या मैम, वो कह रहे हैं एक क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद, आज तुम लोग बहुत, आज क्या कौन सी गुट्टी पी के आए हो तुम लोग, मेरा टाइम क्यों खराब करा रहे हो भाई, हैं आज सोच के आए हो, आज हम परवीन मैम को पढ़ाने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे, ऐसा सोच के आए हो क्या? नो मैम, नो मैम, क्योंकि देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर तुम्हें ही करने पड़ेंगे क्वेश्चन, और आज मैं क्लास नहीं कर सकती, अब देखो अब इसमें पढ़ो आगे चीज, क्वेश्चंस में क्या लिखा है, अब दोबारा पढ़ो, अब इंसुलेटर की बात कर रहा है, अब बताओ इंसुलेटर किसे बोलते हैं, अगर हमारा कोई भी कंटेनर इंसुलेटर में दिया है तो ना तो हीट आएगी और ना जाएगी, आइसोलेटेड सिस्टम, बिल्कुल, तो देखो यहाँ इंसुलेटेड की बात हो रही है, और इंसुलेटेड में ना तो हीट आएगी, ठीक है, और ना ही यहाँ से जाएगी, तो फिर उस केस में अब आप मुझे बताओ, अब मैं तुमसे पूछती हूँ क्वेश्चन, तुम लोगों का दिमाग आज ज्यादा चल रहा है ना, तो परवीन मैम तुमसे ही पूछेंगी, अब बताओ फिर Q क्या होगा और W क्या होगा इसके लिए, और W भी जीरो, बाहर से ना आ रही है ना जा रही है, तो वर्क डन भी नहीं होगा, राइट, ठीक है, तो अब बताओ जरा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक डेल्टा U इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस W, जीरो हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, तो फिर क्वेश्चन यही छोड़ दूं, कर लोगे आंसर अब, यस मैम, तो निकाल दो फिर आंसर, यस मैम,
तो मतलब मुझे विश्वास तो हो गया वैसे आप पे कि कल का पेपर आप अच्छा दोगे, लेकिन तारीफ कर रही हूँ तो सर पे मत चढ़ जाना, कल नंबर अच्छे आने चाहिए आपके हर हाल में, ठीक है क्या? ओके मैम। तो चलो अभी इसका जल्दी से आंसर बता दो फिर, अब इसमें कुछ है नहीं है ज्यादा, अब आप आराम से कर सकते हो, लेकिन अभी इसमें एक और फॉर्मूला लगेगा, मैं करा ही देती हूँ। चलो वैसे आप अपना दिमाग लगाओ और बताओ कि इसका क्या आंसर करेक्ट है, ऑप्शन लिखे हुए हैं। ए गलत हो गया, चलो मैं करा देती हूँ। देखो तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इस ये एल है बच्चा पार्टी, ठीक है मैम, इसको कुछ और मत समझ लेना, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हो गया आपका, ठीक है। अब आपका जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा यू इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि क्यू और डब्ल्यू जीरो है तो डेल्टा यू की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। अब आप इंसुलेटर की बात कर रहे हो, ठीक है, इंसुलेटर के लिए टोटल हीट ट्रांसफर क्या होता है, जीरो होता है, तो जितनी हीट आपकी क्या है वन से निकलेगी, ठीक है, उतनी हीट अनदर मोल्स के लिए निकलेगी। तो ऐसे केसेस में इंसुलेटर कंडक्टर के लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं हम क्यू के लिए, क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ये मैंने पढ़ाया था आपको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। और देखो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे मास है, लेकिन हमें नंबर ऑफ मोल्स के लिए करना है, तो ये हमारा हो जाएगा एम को हटा देंगे तो एन सी डेल्टा टी हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। अब क्यू का फॉर्मूला है ये आपका, तो केस नंबर वन में क्यू इक्वल टू एन सी डेल्टा टी आप रखोगे तो आप वैल्यू रख दो सारी उठा के बस, अब तो कर लोगे, अगर आप यहाँ रखोगे 500 इंटू सी एन इंटू टी फाइनल माइनस 400 कर दोगे एंड प्लस 2000 इंटू सी और उसके बाद इंटू क्या कर दोगे, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, टी फाइनल माइनस 500 कर दोगे इक्वल टू जीरो। तो देखो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो टी फाइनल की वैल्यू आएगी 480 केल्विन, ठीक है ना, तो दिस इज द सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आप मुझे एक बात बताओ, कल जब पेपर में इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व करोगे, दिमाग लगा लोगे ना तरीके से? यस मैम, ईच सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन उसमें, नहीं मुझे विश्वास हो रहा है कि आप कर लोगे, गुड जॉब, ठीक है मैम, इनकी वर्डिंग पकड़ लेंगे ना, शॉर्टकट से करेंगे, हाँ शॉर्टकट से कर लेना बिल्कुल। अरे ये क्वेश्चन ऐसे हैं, अभी देखो टाइम नहीं है, वरना पता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के शॉर्टकट तरीके भी हैं क्वेश्चंस करने के, लेकिन हम आपको सिखा नहीं पाए हैं टाइमिंग की वजह से। हाँ क्या कह रहे हो कसक मैम? जैसे ही आपने पूरा फॉर्मूला लगा के किया मैम, इसको ना हम शॉर्टकट में इक्वल टू रख के करेंगे तो हमारा 480 आंसर आ जाएगा। नहीं मैं बता तो रही हूँ कसक, जब हम नीट और एंट्रेंस का एग्जाम देते है ना, तो मैं अभी जब 17 तारीख के बाद क्लास लूंगी ना आपकी, तब ट्रिक सिखाऊंगी आपको, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम सबकी ट्रिक्स होती हैं कि कम समय में हम ज्यादा क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। लेकिन अभी एक्चुअल में क्या है ना, हम पढ़ाया है हमने पूरा पूरा सिलेबस, लेकिन उतना टाइम आपको प्रैक्टिस के लिए नहीं मिल पा रहा है, आप घर पे भी नहीं पढ़ पा रहे हो, तो अभी मेरा फर्ज है कि मैं पूरी कैलकुलेशन एक एक करके बताऊं, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं जो तुरंत कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन समझ नहीं आता है, तो आप लोग पेपर में अपने दिमाग से करके आना, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो, ये तो बहुत इजी है, कौन बताएगा इसका आंसर? हैज लॉ है मैम, इसका तो हैज लॉ है, हैज लॉ है इसमें, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर कैसे निकालोगे हैज लॉ के कोऑर्डिनेट? देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको चार इक्वेशन दिए हैं, ठीक है, तो एंथैल्पी फॉर्मेशन आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ये मैंने क्वेश्चन अधूरा लिखा है, मैं इसके इसका स्टेप किसकी करनी है आपने वो तो लिखा है? हाँ मैंने लिखा नहीं है, मैंने देख लिया, देन एंथैल्पी मुझे वो याद है मैं क्या निकालना है इसमें, डोंट वरी। अरे ये क्वेश्चन हम इस टाइप के हर साल बच्चों को कराते हैं ना, तो याद ही रहते हैं, ऑफ एसओ टू एट 298 केल्विन, ठीक है, और जो टेम्परेचर रहेगा सारी रिएक्शंस के लिए वो 298 केल्विन रहेगा, तो फिर उसके हिसाब से बताओ इसका आंसर क्या होगा, कैसे करोगे मामा? आपने जो फोर्थ रिएक्शन इसमें लिखी है उसके लिए डेल्टा एच गिवन नहीं है?
दे रखा है नीचे माइनस ठीक है। देखो इसमें क्या करोगे, मैं थोड़ी सी यहाँ पे हिंट दे दे रही हूँ। एक आपको मेजर रिएक्शन बनानी पड़ेगी ये वाली, क्योंकि आप किसके रेस्पेक्ट में एंथैल्पी निकाल रहे हो, फॉर्मेशन निकालना है आपको, SO2 का निकालना है। तो हमारा S सॉलिड प्लस O2 गैस, ठीक है, ये बन जाएगा SO2 गैस, ठीक है। ये एक फाइनल इक्वेशन हो जाएगी हमारी, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन होता है, SO2 के लिए कैलकुलेट करना है। तो आपको ये जो रिएक्शन है ना, इसमें जोड़ना ही है सबको, ठीक है, लेकिन आपको इस तरीके से रिएक्शन लिखनी है कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। तो मैं थोड़ा बता देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। एक तो इस पेज पर जगह नहीं है, तो अगले पेज पर जाना पड़ेगा हमें। यहाँ देखो, जैसे इस वाली रिएक्शन में अगर आप देखोगे पहली रिएक्शन में, तो SO2 हमारा रिएक्शन में रिएक्टेंट है या नहीं रिएक्टेंट, ठीक है। तो जब हम इसे करेंगे तो रिएक्शन को उल्टा कर देंगे, पलट देंगे, और जब पलट देंगे हम तो ये रिएक्शन के साइन बदल जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस मैम, ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे पहले वाली रिएक्शन में हमारा जो SO2 था रिएक्शन के अंदर, वो एज ए रिएक्टेंट था, ठीक है। और हमें SO2 चाहिए कैसे, प्रोडक्ट में चाहिए। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रही है? अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम रिएक्शन को तरीके से लिखेंगे तो हमें जोड़ने में, आंसर करने में आसानी होगी। तो SO2 को अगर प्रोडक्ट में आपको करना है, तो रिएक्शंस को आप क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, ठीक है। और जब इस रिएक्शंस को आप रिवर्स करोगे, ये वाली रिएक्शंस को अगर आप रिवर्स करोगे, तो क्या होगा, H2SO4 आपका कहाँ आएगा, पहले, ठीक है, और ये बाद में जाएगा। तो ये डेल्टा एच की वैल्यू अगर प्लस में है पहली वाली रिएक्शंस के लिए, तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, और अगर कहीं पे वैल्यू प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? यस मैम, यस मैम। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, टफ नहीं है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शंस के लिए हमारा क्या था, तो रिएक्शंस को पलट दो जरा, क्या करोगे आप, हमारी जो रेस्पेक्टिव रिएक्शंस थी वो क्या थी, वो ये थी SO3 गैस, ठीक है, एंड SO2 गैस। पलट दिया हमने रिएक्शन को, प्लस हाफ टू NO2 गैस, तो डेल्टा H1 आपका क्या हो जाएगा, 98.7 किलोजूल हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लो रिएक्शन एक बार, देखो ये थी रिएक्शन, yes, ये वाला पार्ट पहले था, पलट दिया तो SO3 इधर आ गया, और ये जो माइनस में था साइन चेंज होकर किसमें हो गया, पॉजिटिव में हो गया, ठीक है। Positive. तो ये पहली रिएक्शन हो गई, ठीक है ना। अब अगर रिएक्शन फोर्थ को लेते हो आप, ठीक है, फोर्थ में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हमें SO2 के रेस्पेक्ट में रिएक्शन करनी है, तो इसलिए हम उस तरीके से रिएक्शंस को अरेंज करेंगे कि पहले हमें SO2 वाली रिएक्शन मिल जाए, क्योंकि हमें एंथैल्पी फॉर्मेशन SO2 के लिए कैलकुलेट करना है इसलिए। तो देखो अभी ये वाला रिएक्शन था हमारा S सॉलिड, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत है नहीं है, सल्फर इस तरफ आ रहा है, और ये कैसा सल्फर है, रोम्बिक सल्फर है, मालूम है आपको, ठीक है, अपनी एलिमेंट्री स्टेज पर है। और हमने ये पढ़ा है कि जब हम किसी भी रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं तो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में होनी चाहिए। जब मैंने फॉर्मेशन पढ़ाया था तो एक एक चीज पढ़ाई है आपको, आई होप आपको याद हो, याद है कि नहीं? यस मैम, यस मैम। तो ये तो देखो बच्चा पार्टी ऐसा ही रहेगा, डेल्टा एच फोर इक्वल टू -814.4 किलो जूल, जो था वैसा ही रहेगा। अब रिएक्शन सेकंड को अगर हम लिखते हैं, तो एच टू एसओ फोर आपका, ये देख लो इधर, चेक कर सकते हो आप, अब रिएक्शन सेकंड की तरफ आ गए हम, ठीक है। तो इसको अब आप क्या करोगे, इधर H2SO4 को लिखोगे, और फिर आपका ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें हमारे पास SO3 लास्ट में, तो इसे तो ऐसे ही लिख दोगे आप, एक्वस एंड SO3 गैस और प्लस H2O, क्योंकि यहाँ H2O लिक्विड में आ रहा है। तो डेल्टा H3 की वैल्यू उसने दी है 130.2 किलो जूल। अब यहाँ पे ठीक है ना, तो ये भी रिएक्शन हमने क्या कर दी, रिएक्शन हमने उल्टी कर दी, ठीक है। ये देखो सेकंड रिएक्शन को हमने उल्टा कर दिया है, ठीक है, समझ गए? मैम उल्टा ही कर रहे हैं, माइनस में नहीं होगा, नहीं नहीं वो माइनस में क्यों है, अच्छा प्लस में है ना, माइनस में होगा ना, माइनस में होगा, ठीक है। अब एक लास्ट रिएक्शन बचती है हमारी, थर्ड,
ठीक है ना। तो H2O लिक्विड है इसमें, और ये H2 गैस है, और ये हाफ O2 है एंड गैस है, तो डेल्टा H3 ठीक है इक्वल टू कितना हो जाएगा 287.3 किलो जूल हो जाएगा, ये आएगा 2 यहाँ पे, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया आपको, अब आपको सीधे फॉर्मूला लगा के जोड़ देनी है वैल्यू, तो जोड़ आप लेना, डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा H फॉर्मेशन, ये सब मैंने पढ़ा रखा है आपको, SO2 रेस्पेक्ट में था, इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 डेल्टा 4, कितना आ रहा है -558.6 पक्का मैम, वैल्यू से यही कुछ करी है, इसका आंसर ये आ रहा है, मैं बता देती हूँ आप लोग, कोई नहीं मैं, ये मेरा कैलकुलेटेड क्वेश्चंस है तो इसमें आंसर करेक्ट आ रहा है, डोंट वरी अबाउट इट। तो आप एक बार साइन वाइन का देख लेना, दोबारा कर लेना इसको घर पे, हिंट दे दिया मैंने, वैसे इसका आंसर मैं बता रही हूँ, वही बता रही हूँ, टिक कर देती हूँ। अच्छा मैंने इसके ऑप्शंस नहीं लिखे ना मैम, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ यहाँ पे, आंसर आएगा इसका -298.2 किलो जूल, ये आएगा, कैलकुलेट कर लेना 100% ये आंसर सही है, ठीक है। अब तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना, 297 आ रहा है, कितना आ रहा है 297 कोई नहीं, वो तो फोर्थ में 814.4 है। अच्छा तो हो सकता है मैंने कोई वैल्यू वो लिख दी हो, क्योंकि क्वेश्चन नहीं है ना मेरे सामने, उसका ही डिफरेंस आ गया है, नहीं लेकिन इसका करेक्ट आंसर यही है, आंसर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन नहीं है ना, पीछे स्लाइड में जगह नहीं है, देखो मैंने हिंट दिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, आपको बस बताया है कि ये क्वेश्चन करना कैसे, काफी इजी है इसलिए। तो मैम मेरा सही है, हाँ ठीक है, वो तो पॉइंट से पहले वैल्यू हो जाती है, लेकिन एक बार क्रॉस चेक कर लेना, इसका करेक्ट आंसर यही है -298.2, ये मैं कैलकुलेट करके देख चुकी हूँ, डोंट वरी, क्वेश्चन करेक्ट है, क्वेश्चन में गलती नहीं है। अब देखो मैं पहले ये वाला क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, ये इजी क्वेश्चन है, ये भी ज्यादा टफ नहीं है, ये वाला क्वेश्चन पहले कराऊंगी, इस क्वेश्चन को देखो, समझ आ रहा है क्या, ये पढ़ के देखो इसे, कितने बच्चों को आ रहा है समझ में क्वेश्चन, कैसे करना है ये मैम, ये इसमें तो वही है ना, ऊपर की दो लाइन होगी वो रिएक्टेंट्स की होगी, फिर एक प्रोडक्ट्स की होगी, तो PCl3 और Cl2 जो होगा वो रिएक्टेंट का हो जाएगा, और PCl5 प्रोडक्ट का हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए मैम, एक मिनट, ऑप्शन मैम सी गलत मैम, बी डी लग रहा है वैसे, ऑप्शन होगा, चलो मैं ये वाले क्वेश्चन मैम आप बता दो, ये वाले क्वेश्चंस भी करा देती हूँ पहले, फिर ये रह जाएंगे मैम, मेरे बस का नहीं, आप बता, समझ में नहीं, हाँ मैं बताऊंगी, मैं ही बताऊंगी, पूरा सॉल्व करके बताऊंगी, चिंता मत करो, ये वाले करा देती हूँ पहले, ये छोटे हैं उसमें टाइम लगेगा, उसके चारों स्टेप मुझे कैलकुलेट करके दिखाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो ये वाला देखो, इस क्वेश्चन को देखो पहले, उसको लास्ट में ही कराती, करा के जाऊंगी, चिंता मत करो। फॉर द आइडियल गैस एक्सपेंडिंग एडियाबेटिक इन वैक्यूम, बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी, ये क्वेश्चन आपके पार्ट का है, इसमें बी होगा, डेल्टा एच जीरो होगा, बिल्कुल भी आंसर करेक्ट होगा। अब देखो जिन बच्चों को नहीं आता थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ, एडियाबेटिक प्रोसेस है, और एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, क्यू इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो इसका जो पी एक्सटर्नल होगा वो भी जीरो हो जाएगा, और फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में हम लोग जानते हैं डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो डेल्टा यूल, ठीक है, लेकिन बता देती हूँ फिर भी, पता चली कोई बच्चा अटक जाए हमारा, ठीक है, तो डेल्टा वी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, फिर उसके बाद आपका जब ये वैल्यू को आप इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू भी जीरो आ जाएगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन है पेपर में, मतलब कहने का ये है, मतलब कि आपके पेपर में हार्ड क्वेश्चन ही नहीं है, इजी क्वेश्चन भी है, मीडियम भी है, और हार्ड भी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे ना कल के पेपर में, पेपर आके वैसे क्वेश्चन होंगे ना, क्या बेटा जैसे हर बार आते हैं उसी टाइप, हाँ हर बार आते हैं वही, अरे वैसे ही हैं,
भाई नीट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं, तो नीट में नीट लेवल का ही पेपर देंगे ना, जेई मेंस का तो देंगे नहीं आपको, तो वैसे ही क्वेश्चन है जैसे आते हैं। अभी इसका बताओ पेपर फॉर दी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, इसका आंसर क्या होगा? मैम डेल्टा ई जीरो। बिल्कुल सही आंसर, डेल्टा ई इक्वल टू जीरो, तो कतई इजी है ये तो, कर लोगे? वेरी गुड। पेपर फोर क्या है? क्या बेटा? मैम ये पेपर फोर क्या लिखा था? वो उसने दिया है क्वेश्चन ही दिया है इस तरीके से, ठीक है, अब उसने अपना क्वेश्चन का पैटर्न ऐसे दिया है कि एक आइसोथर्मल पेपर है कुछ और उसमें एक्सपेंशन पूछा है उसने आइडियल गैस के लिए, ठीक है। अभी ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसका आंसर बताओ क्या होगा, निकाल पाओगे इसे? व्हाट इज द फ्री एनर्जी? हाँ, व्हेन अ रिएक्शन प्रोसेस विद द एंथैल्पी चेंज एंड एंट्रोपी चेंज प्लस 4 एंड एट 27। मैं थोड़ी सी हिंट दे रही हूँ, आप लोगों ने पढ़ा है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, ठीक है, माइनस टी डेल्टा एस होता है, ठीक है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? फॉर्मूला पढ़ा है ना ये, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, 250 किलो जूल इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, तो आप 300 टेम्परेचर दे रखा है इंटू 40, और जब किलो जूल को हम कन्वर्ट करते हैं, मैंने थ्योरी में ऐसे न्यूमेरिकल कराए थे तो आपको बताया था 10^-3 रहते हैं, आई होप अगर आपको याद हो तो। यस मैम, मैंने आपको करा रखी है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैंने नहीं करा रखी है आपको, ठीक है। माइनस 12 किलो जूल ये इतना हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा -262 किलो जूल, ठीक है। अब आप इसे एक बार सॉल्व करके क्वेश्चन देख लेना, बी ऑप्शन इज द ठीक है। तो जो क्वेश्चन इजी है उस पर ज्यादा, ये क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी क्योंकि ये इतना इजी क्वेश्चन है, इसे खुद ही कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पता ही है आपको, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इसको आप कर लेना है ना। ओके मैम, अब हम आ जाते हैं अपने इस बेसिकली इस वाले क्वेश्चन पे, इसको करना है, इसमें लगाना है दिमाग और इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। एक सेकेंड, पानी की बॉटल नहीं है, अगर पानी की बोतल रखे ना बैठो तो लाइव क्लास से कहीं क्लास छोड़ के भी नहीं जा सकते कि पानी की बोतल उठा लाओ और पी लो, है ना? यस मैम। मैम वैसे इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा क्या? नहीं बेटा, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब डी ऑप्शन कैसे करेक्ट है ये आपको बताना है, तो पहले थोड़ा सोचो एक दो मिनट कि आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो। मैम मैंने ना नीचे वाले ऑप्शन नहीं पढ़े थे पिछली बार, मैंने सिर्फ वो ऊपर ग्राफ देख के आंसर बताया था। ग्राफ देख के बताया था आंसर? हाँ मैम, मैंने नीचे वाले ऑप्शन नहीं पढ़े थे। यस मैम, मैंने भी। इसका डी ऑप्शन है करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है, ये कह रहा है कि फॉर द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन आप जानते हो होती क्या है, ठीक है ना, पीसीएल फाइव गैस, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस में आपको पता ही है पीसीएल फाइव किस में टूट जाता है, पीसीएल थ्री प्लस सीएल टू में ब्रेक हो जाता है, जिसके लिए हमें कैलकुलेट करना है कि केसी लेस देन टू आना चाहिए। अब हमें ये बताना है कि ये जो चार ग्राफ दिए हैं इसमें किसके लिए केसी लेस देन टू आ रहा है, तो अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, स्केच में रिप्रेजेंट अबव इक्विलिब्रियम, एज्यूम इक्विलिब्रियम कैन द अचीव फ्रॉम आइदर साइड एंड बाय टेकिंग वन और मोर कंपोनेंट इनिशियली, ठीक है। तो देखो आप ऑप्शन दिया है उसने, ए एंड सी आर करेक्ट एंड ओनली ए इज करेक्ट एंड ए एंड बी आर इज करेक्ट एंड सी एंड डी आर इज करेक्ट, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो करेक्ट है डी, ठीक है ना, तो जब डी करेक्ट है तो इसका मतलब सी भी करेक्ट होगा, है ना? यस मैम। तो अब देखो सॉल्व, मैं भी आपस में एक दूसरे को काट भी तो नहीं सकते हैं टेंशन से, मैं वही बता रही हूँ आपको, समझा रही हूँ। देखो अब आप निकाल लो जरा केसी, केसी कैसे लिखते हो किसी भी रिएक्शंस के लिए, अब एक ही के लिए अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देखो इस ये जो जा रहा है इसकी कंसंट्रेशन सीएल टू की, ठीक है, 6 पे है और ये 4 पे है और ये 2 पर है, ठीक है ना, तो केसी इज इक्वल टू क्या लिखते हो, पीसीएल 3 की कंसंट्रेशन
बिल्कुल 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 एग्जैक्टली। तो अब मुझे एक चीज बताओ, तुम लोग पीसीएल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है, 4 दो जरा 4। और आपकी CL2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 × 6। तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 2। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 12। तो ये 12 ग्रेटर देन 2 हो गया, तो ये तो गलत हो गया। यस मैम, इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया ये तो, है ना? तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है नहीं, तो इसको काट दो। अब बी में, बी की तरफ चलते हैं, बी को देखते हैं, ठीक है? लेकिन अब क्वेश्चन कैसे दिखेगा तुम्हें, देख लो यहाँ पे। तुम लोग चाहो तो नोट, मैम हम समझ गए, अपनी मैम हम समझ गए। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ पे बी में एक कंडीशन है कि जो PCl5 है इक्विलिब्रियम पे PCl3 + Cl2 में टूटेगा, तो ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे एक केस हो रहा है कि या तो कंसंट्रेशन PCl5 से बढ़ जाए या घट जाए, लेकिन इसमें एक कंडीशन हो रही है, ऐसा कभी नहीं होता कि PCl3 घट रहा है और Cl2 बढ़ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? नो मैम, नहीं। तो ये तो पहले से ही गलत है ना भाई। हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि जब हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाते हैं इक्विलिब्रियम पे, तो भाई या तो आपका PCl प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, ठीक है? लेकिन क्या ऐसा हुआ है कभी कि रिएक्टेंट में जो PCl5 टूट के PCl3 और Cl2 में हो रहा है, तो वो PCl3 क्या हो जाए, घट जाए और Cl2 बढ़ जाए? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ग्राफ तो यही बता रहा है कि भाई देखो ये प्रोडक्ट गया है यहाँ से, फिर उसके बाद ये घट रहा है, ठीक है ना? तो या तो दोनों घटेंगे या दोनों बढ़ेंगे, लेकिन Cl2 घट जाए, Cl2 बढ़ जाए और PCl3 बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये तो पहले से ही गलत दिख रहा है। अभी देखो सी में क्या है, तो सी का 0.6 आ रहा है कुछ, तो 0.6 आ रहा है ना। तो अभी देखते हैं PCl5 में, यहाँ पे सी की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। आप चेक कर लो ग्राफ को एक बार, यहाँ देखो जाके, ठीक है? कंसंट्रेशन PCl5 की क्या हो रही है? बढ़ रही है, ओके? अब यहाँ देखो, लेकिन PCl3 की कंसंट्रेशन घट रही है। तो अगर आप निकालोगे PCl3 + Cl2 इक्विलिब्रियम पे PCl5, ठीक है? तो एक बात बताइए, आप t = 0 लोगे, तो इसके लिए जो होगा हमारा, ये a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे और इसको x मान लेंगे। तो एट इक्विलिब्रियम पे हमने ये चीज पढ़ी है, एट इक्विलिब्रियम पे ये हो जाएगा a - x, ये हो जाएगा b - x, और ये कितना हो जाएगा? x, ठीक है? चेक करो ग्राफ को, ठीक है क्या? Yes, ma'am. है ना? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो फिर आप यहाँ पे देखोगे, अब रिएक्शंस में जो बी की वैल्यू दी है, ठीक है, वो कितनी है? 6 दी है, चेक कर लो जाके जरा, ठीक है? Cl2 की जो वैल्यू है कितनी है? 6, है ना? Yes, तो यहाँ पे देखो आप, तो ये जो वैल्यू है ये आपकी 6 है, तो 6 - x है तो ग्रेटर देन 0 होगी, है ना? तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया, लेस देन 6 आ रहा है ये, तो मतलब क्वेश्चन ये भी गलत है, इसका मतलब ऑप्शन गलत है। ऑप्शन में सिर्फ डी ऑप्शन इज करेक्ट है, क्योंकि यहाँ कैलकुलेट करने पे तो ये गलत आ रहा है, और जबकि यहाँ ऑप्शन में दिया है C and D आर इज करेक्ट, तो फिर सी वाला भी गलत है। समझ रहे हो ना? बायो में भी ऐसा ही ऑप्शन था, हमने कहा फिर जो सही होगा वो लगा दो, वो सही होगा वही लगा देना। देखो मैंने बताया ना आपको कि जब हम कोई क्वेश्चंस करते हैं ना, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो डाटा है वो सही आ जाए, टाइपिंग में कैसे भी कोई भी एरर हो जाता है, तो हमें सॉल्व करके देखना चाहिए इसलिए क्वेश्चन। तो देखो डी इज करेक्ट आंसर होगा, ये भी गलत हो गया, तो इस ऑप्शन को काट दो। अब यहाँ पे ऑप्शन हम बनाएंगे ए ओनली, ठीक है? ऐसे बना सकते हैं a only a and b only, ऐसे लिख सकते हैं, मैंने बना दिए हैं ऑप्शन, एंड सी ओनली, और या फिर डी ओनली, ठीक है ना? तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट आएगा। अब डी को चेक कर लो, चलो देखते हैं। तो ये तो यही तो सीखना है हमें, इसी की तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब देखो डी में निकालो Kc 2 × 4 हो जाएगा, चेक कर लो। देखो यस मैम, 2 × 4/6, ठीक है? बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे निकाल लो,
मैम वो 1.3 आएगा जो कि लेस देन 2 है। 1.3 आएगा मैम, लेस देन 2 होगा तो लेस देन 2 आ जाएगा। आ जाएगा ना लेस देन 2? यस मैम, 1.3 आ रहा है। 1.3 भी रखोगे तो भी लेस देन 2 के रेस्पेक्ट में ही रहेगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है ना। तो देखो तुम भी मत करना, मतलब एक बार ना खुद से क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके देखो, क्योंकि जब टाइपिंग होती है ना, या मान लो कहीं से क्वेश्चन का इमेज आपने लगाया कट करके, तो कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। हमेशा खुद के हैंड से क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं कभी किसी बुक पर भरोसा नहीं करती, मैं हमेशा खुद के हैंड से क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। और ये बात मैं आपको पहले दिन से बोलती हूँ, बोलती हूँ कि नहीं बोलती, खुद पे भरोसा करो सबसे ज्यादा। मैम वैसे मैम सी में मैम जो PCL3 केसी निकालेंगे तो मैम पी मैम माइक ऑफ है, फिर से तंग करने लग गया भाई इस माइक। मैम तो समझ नहीं आती मुझे। हाँ बोलो बेटा। अच्छा ऐसा नहीं करेगा, नहीं माइक बंद हो जाएगा चालू मैम। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, सुन रही हूँ भाई। मैम जो सी वाला ऑप्शन है मैम, इसमें PCL3 और CL2 की कंसर्न। साक्षी तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, बार बार कट रही है, तो प्लीज चैट सेक्शन में लिख दो कृपया। मैम इसमें एक बार ये चीज बता दो कि कंसंट्रेशन मिस ना, मैंने सुना नहीं। मैं आपको मेरे को ना कुछ प्रॉब्लम मतलब हो गई, मैं आपको कॉल करके बता दूंगी बाद में। ठीक है कोई बात नहीं। ये डी वाला ना? यस मैम। देखो मैम नहीं मतलब कि ग्राफ से कंसंट्रेशन कैसे ले, मतलब कंसंट्रेशन कैसे लेंगे, ये कंसंट्रेशन दे रखी है हमें ऑलरेडी। देखो जैसे मान लो हम इस ग्राफ की बात करें, तो ये जो इसकी कंसंट्रेशन है PCL5 की, वो 6 दे रखी है ऑलरेडी इसने, ठीक है। अब ये जो इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है CL2 की, वो 4 है, और PCL5 की 3 दे रखी है। तो तीनों वैल्यू हमें गिवन है ऑलरेडी। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये बताना है कि जब हम KC निकालते हैं तो कौन सा ग्राफ ऐसा है जिसमें ग्रेटर देन 2 आएगी हमारी KC की वैल्यू, ये फाइंड आउट करना है। तो सारी वैल्यू गिवन है, आपको पता ही है जब आप केसी निकालते हो तो कैसे लिखते हो। आप जब केसी निकालते हो तो क्या लिखते हो, PCL3 एंड CL2 एंड डिवाइड बाय कंसंट्रेशन PCL5। तो यहाँ पे भी ऐसे ही लिखोगे, तो जैसे कि PCL5 की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, तो आपने यहाँ पे कितना लिखा, 6 लिखा, ठीक है। और फिर नीचे 6 इसलिए लिखा क्योंकि जब आप केसी को सॉल्व कर रहे हो तो केसी इक्वल टू क्या लिख रहे हो, PCL3 की कंसंट्रेशन एंड देन CL2 की कंसंट्रेशन एंड देन PCL5 की कंसंट्रेशन, ये लिख रहे हो। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू लिखी, फिर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 8/2 आ रहा है, तो मतलब इतनी कम वैल्यू आएगी तो वो लेस देन 2 हो जाएगा। जैसे कि आप लोग कह रहे थे 1. कुछ के समथिंग वैल्यू आ रही है, तो मैंने वो एग्जिट वैल्यू ना निकाल के डायरेक्ट लग दिया है कि हमारी वैल्यू कम आ रही है। तो एक यही डी ऑप्शन है जिसमें ग्रेटर देन 2 जा रहा है केसी, बाकी सब में वैल्यू नहीं आ रही है। कंसंट्रेशन दी है, लेकिन अगर कंसंट्रेशन किसी क्वेश्चन में ना दी हो तो आपको निकालनी पड़ेगी उसके नंबर ऑफ मोल से, समझ गए। ये मैंने पढ़ा रखा है आपको, सुनाई दे रहा है भाई बच्चा पार्टी? यस मैम। अगर मान लो हमें किसी क्वेश्चन में कंसंट्रेशन नहीं दी, इस ग्राफ में कंसंट्रेशन दे रखी थी, तो मान लो तुम यही रिएक्शन लिख रहे हो कि जो PCL5 है हमारा वो टूट के PCL3 प्लस CL2 में जा रहा है। तो मान लो सपोज दैट कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है हमारे 2 और यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स 1-1 आ गए, जस्ट लाइक एग्जांपल बता रही हूँ मैं। तो फिर मोल्स के हिसाब से आप कंसंट्रेशन कैलकुलेट करोगे उसकी, ठीक है। लेकिन यहाँ दे रखा है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है एंड देन केसी बताना है कि किसकी वैल्यू कम है, बस इतना सा काम करना था। एक बार एक काम करना, मैंने आपको ना एक स्लाइड कराई थी जहां पे मैंने पूरा केसी और केपी को सॉल्व करके बताया था कि हम इनिशियल क्या लेते हैं और जीरो क्या लेते हैं। जैसे PCL5 को जब तुम तोड़ोगे तो PCL5 CL2 और उसमें टूटेगा, तो उस टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारी क्या रहेगी, जीरो रहेगी, क्योंकि इनिशियल में प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदलता, तो वहां कंसंट्रेशन क्या होती है, जीरो रहती है। लेकिन बाद में प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल जाता है तो कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा किसकी होती है, फिर प्रोडक्ट की होती है। ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई है तुमको, पुरानी स्लाइड ना रिवाइज कर लेना, ठीक है बेटा। तो तुम्हें सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मैंने कहा ना थ्योरी थोड़ी ऑन टिप्स होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, एट अ सर्टेन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ PKAW इज 13.4
एंड द मेजर पीएच सॉल्यूशन 7, तो सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल भाई कर दी ना गड़बड़, यही तो इंडिया मात खा जाता है, हम एकदम रेंडम आंसर करते हैं लेकिन सोचते नहीं है, ठीक है सोचो थोड़ा पहले भाई। मैम एसिडिक होगा, देख लो फिर गलत आंसर, नहीं बोल दो, एक बोलो एसिडिक नहीं होगा, फिर मरवीन मैम बोले न्यूट्रल नहीं होगा, तो सही होगा कोई तो सही हो ही जाएगा। सॉल्व करके देख लो भाई इसको, देखो इधर हमने पढ़ा है पी की पी के डब्लू, किसी ने बोला बी, किसी ने बोला डी, और जो सही आंसर बोला है वो रुचि झा ने बोला है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैम एसिडिक होगा, नहीं होगा वही एसिडिक, कृपया करके आप शांति बनाए रखें, सब एक साथ बोल रहे हो, परवीन मैम को कुछ समझ नहीं आ रहा, कैन आई एक्सप्लेन? अब मैम परेशान मत करो, थोड़ा समझा ले दो, कभी मैम परमिशन ग्रांट को, मैं परमिशन ग्रांट करो भाई, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ठीक है यहाँ देखो जरा, पी के डब्लू इक्वल टू होता है 14 डिवाइड बाय 2, पता है ना, और पी के की वैल्यू होती है टोटल 14, ये मैंने बताई थी, तो ये अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 7 आता है, और जिसको बोलते आप न्यूट्रल। लेकिन ठीक है हमारा जो पीएच स्केल है वो 0 से जाता है यहाँ पे, ठीक है 14 तक, और बीच की जो वैल्यू है मैम ये माइक दोबारा ऑफ हो गया, ओ जी कंडी पहले बच्चा आ गए, समझ नहीं आ रहा है आपको, पता है मैंने आज बिल्कुल नई आईडी से क्लास ज्वाइन करी है, जिस आईडी से मैंने कोई क्लास ली नहीं है अभी तक, फिर भी मैं परेशान हो गई हूँ कि ये माइक में क्या दिक्कत है। मैम ये पहले मैम पता नहीं, दो दिन से नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रहे हैं, या हो सकता है ऐसा तो नहीं है नेटवर्क की वजह से दिक्कत कर रहा हो? यस मैम दो दिन से हो रहा है, गूगल मीट प्रॉब्लम कर रहा है तो उसकी वजह से माइक म्यूट हो जाता है, शायद मैम हो सकता है, इसको मैं नहीं समझ पा रही, ये मेरे समझ से बाहर है। मैम एक बार ना आप सेटिंग चेक करना, सेटिंग में शायद ऑटो ऑफ का होता है ना ऑप्शन, वो हो गया हो। एलिशा पता है मैं सब कुछ देख चुकी हूँ पूरा, और मेरे हस्बैंड टेक्नोलॉजी में बहुत फास्ट हैं, उन्होंने एक एक चीज अंदर से चेक कर ली है, ये गूगल मीट का कुछ प्रॉब्लम है, गूगल मीट प्रॉब्लम कर रहे हैं, गूगल मीट प्रॉब्लम कर रहा है, मेरा वाला ही प्रॉब्लम हो रहा है आपको सब करने के बाद भी। जो लिंक है ना मुझे लगता है लिंक में भी कुछ प्रॉब्लम है। यस मैम केमिस्ट्री क्लास में होता था लेकिन पिछली बार फिजिक्स में भी हुआ था। हाँ तो वो गूगल मीट का कुछ एरर है, चलो ये क्वेश्चन देख लो बच्चा नहीं तो टाइम निकल जाएगा। अब मैम मैकेनिक अपडेट आया था इसलिए एरर दे रहा है वो बार बार। किसका अपडेट? मैम गूगल मीट का, गूगल मीट का, गूगल मीट का, गूगल मीट का ही कुछ प्रॉब्लम है, मैं एक बार दोबारा से इसको रिफ्रेश करूंगी। मैम अपडेट करो। हाँ कर दूंगी बेटा कर दूंगी, अभी करा भी था मैंने अपडेट फिर भी दिक्कत कर रहा है। देखो यहाँ पे पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13.4 दे रखी है, ठीक है ना, तो जब 13. पी के डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है तो आप इसे डिवाइड करोगे अगर 2 से तो ये आएगा 6.7, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं तो ये जो वैल्यू न्यूट्रल होगी ये 6.7 के पास आएगी, क्यों? क्योंकि पी के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 14 और के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है 10^-14, ये पढ़ाया है मैंने आपको, ठीक है। तो आप लोग जानते हो जब हम के डब्ल्यू निकालते हैं तो एच की कंसेंट्रेशन और ओ एच की कंसेंट्रेशन लेते हैं, तो जब वैल्यू रखते हैं तो 10^-7 और 10^-7 ये दोनों वैल्यू आ जाती हैं हमारी किसके बराबर, 14 के बराबर आती हैं। तो जो सॉल्यूशन होगा आपका, ठीक है, तो सॉल्यूशन में वैल्यू जाएगी न्यूट्रल, और न्यूट्रल कितना होगा, पीएच इज इक्वल टू 7, राइट। तो जब पीएच इज इक्वल टू 7 होगा हमारा और ये जो वैल्यू है हमारी 6.7 के बीच आ रही है तो ये बेसिक मीडियम में जाएगा, समझ गए? ठीक है yes, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसमें था ही नहीं कुछ। अगला क्वेश्चन देखो क्योंकि टाइम कम है मेरे पास, और ये वाला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और बफर सॉल्यूशन का है।
तो और बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन आपके पेपर में 200% आएगा, सॉल्युबिलिटी का भी 200% आएगा, मतलब जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना आज के इसमें, ये 200% आएंगे। तो प्लीज आप लोग ये क्वेश्चन समझ लो। और फिर मैं आपको क्या, देखो आज जो 25 क्वेश्चन मैंने बनाए थे आज, और मैं सारे क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगी, तो बाकी के क्वेश्चंस की सुबह की तरह आंसर की और क्वेश्चंस फॉरवर्ड कर दूं आपको, सॉल्व कर लोगे? रात में नहीं, मैं अभी क्लास के बाद ही कर दूंगी तुरंत। यस मैम। हां मैम। ओके मैम। तो देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4Cl, दिस शुड बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ और 1.m, m क्या होता है बच्चा पार्टी? मोलरिटी, ठीक है, NH4OH, टू प्रिपेयर बफर सॉल्यूशन विद pH इक्वल टू 90 और kb की वैल्यू दे रखी है उसने 2 × 10^5, एंड टेक log 2 की वैल्यू दे रखी है उसने 0.3। तो पहले आप लोग ये बताओ इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको क्या समझ आ रहा है बताइए, कुछ समझ आ रहा है किसी को? मैम इसमें कैलकुलेट करना नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। बिल्कुल, और एक बफर सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है, तो देखो सबसे पहले हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए, तो लिख लो बफर के लिए रिएक्शन क्या बनेगी। क्या दिया है आपको? NH4Cl दिया है और उसके बाद NH4OH दिया है। याद करो जरा, बफर के 4 टाइप मैंने पढ़ाए थे, तो आपको बताया था जो NH4Cl है वो एज ए सॉल्ट है, ठीक है, और अगर ये एज ए सॉल्ट है तो बच्चा बाटी ये NH4OH प्लस HCl से मिलके बना होगा ये सॉल्ट, तो यानी कि ये एज ए वीक बेस होगा, ठीक है, वीक बेस। और अगर हमें क्वेश्चन में NH4OH दिया है तो ये भी क्या है, वीक बेस है। यस मैम, ये मैंने बताया है सब कुछ, तो मैं थ्योरी याद होनी चाहिए। क्वेश्चन कोई भी बहुत टफ लेवल का नहीं आता है नीट में, जिसको थ्योरी याद है, फॉर्मूले याद है, वो आराम से कर लेगा। तो देखो, तो बच्चा पार्टी ये भी वीक बेस है हमारा, और NH4OH एज ए सॉल्ट है, तो जब ये NH4OH के साथ रिएक्शन करेगा तो एज ए वीक बेस भी काम करेगा। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, इसका मतलब फिर ये हो गया कि हमारा जो सॉल्यूशन है जो बना वो बेसिक बफर होगा, ठीक है ना, होगा या नहीं? जब एक चीज हमारी वीक बेस, ठीक है, और दूसरी भी हमारी वीक बेस की तरह ही बिहेव कर रही है, तो हमारा जो सॉल्यूशन बना वो बेसिक बफर है। अरे एक स्लाइड पीछे कैसे चले गए हम, एक मिनट रुको, यहाँ प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ बिल्कुल राइट, सही बोला तुमने, किसने बोली ये बात? तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो जो हमारा मिक्सर बना, मैं लिख भी देती हूँ ताकि कोई बच्चा भूले ना, मिक्सर ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक बेस, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, पहली बात तो क्लियर हो गई। अब हमें गिवन है, गिवन क्या है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसको हम हैंड्रेशन फॉर्मूला भी बोलते हैं, इक्वेशन पढ़ा है, किस किसने पढ़ाया? Yes, मैम आपने पढ़ाया है। मैंने पढ़ाया है, मुझे हर पढ़ाई हुई चीज याद है। एक्चुअल में क्या है ना, देखो ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट थे, इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम और जीओसी, इसमें मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको पढ़ाने की, हर चीज पढ़ाई है, तो प्लीज आप लोग भी चीजों को ध्यान रखें। अब वो इक्वेशन क्या थी, हमने पढ़ा था POH इक्वल टू होता है PKB, P पता है, K पता है, B पता है आपको, मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी, आई होप। तो कॉन्जुगेट एसिड की कंसंट्रेशन एंड देन बेस, ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है ना, और पी के बी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है ना, कितनी गिवन है एक बार देख लो आप लोग, 2 × 10^-5। एग्जैक्टली 2 × ये तो अगला क्वेश्चन आ गया मैम, ये तो के बी के गिवन है, तो पी के बी निकालना पड़ेगा ना। हाँ अभी मैं कर रही हूँ वही, तो आप देखो पहले यहाँ पे एक चीज और देख लो, उसने पीएच दिया है 9, ठीक है ना, तो POH इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, 14 − 9 तो इक्वल टू 5, है ना। yes. तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो जी, पुट
क्योंकि फॉर्मूला किसके बेसिस पे बना है आप देखो जरा, पीओएच के बेसिस पे बना है, तो ये वाली वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में लगा दो, तो लगा दो 5 ठीक है इक्वल टू माइनस लॉग 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5। आप सॉल्व कर लेना बेटा इसे, ये पीके की वैल्यू है, क्योंकि मुझे अगला एक ये वाला क्वेश्चन कराना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी का ये वाला, और टाइम कम बच रहा है, फिर तुम्हारी क्लास भी है, आज हम फंस गए, क्लास गलत हो गई हमारी, 9 बजे से ही होनी चाहिए थी। यस मैम, क्लास एक्सटेंड हो जाती है ना वहां पे, यहाँ ऑप्शन नहीं बचा एक्सटेंड करने का, तो इसलिए मैं आपको पूरा बता देती हूँ, बस आप कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना, आंसर भी मैं बता दूंगी कि आंसर क्या है, ठीक है। तो ये प्लस लॉग एंड देन NH4Cl ठीक है, एंड आपका 1m, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, दिखाऊं क्या 1m गिवन है? मैम दिखा है, देख लो एक बार, ठीक है। तो ये है मोलरिटी, तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए ना एटलीस्ट, और ये NH4Cl के लिए उसने दी है मोलरिटी, तो 5 इक्वल टू ये आएगा 4.6989, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, तो प्लीज एक बार अपने हैंड से भी वैल्यू से 0.3 रखी है, तो एक डिजिट पे रख के करें। हाँ एक डिजिट पे रख के कर लेना, वो वैल्यूबल होता है उतना NH4Cl, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसे सॉल्व करना आप लोग, तो यहाँ पे ना 0.301029 के समथिंग होगा इक्वल टू लॉग, इसकी वैल्यू लंबी है, तो NH4Cl, एक बार अपने हैंड से प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना जरूर, ठीक है। okay, तो अगर हम देखेंगे NH4Cl, तो मैं थोड़ा हार्ड एंड फास्ट बता दूं, तो 10 की पावर हो जाएगा 0.301029 के समथिंग, तो ये वैल्यू लगभग आएगी 19999, तो लगभग 2 के इक्वल होगी ये वैल्यू, ये वाली, क्योंकि देखो सब 99 पॉइंट में, तो 2 के इक्वल होगी ये वैल्यू, और m की वैल्यू फिर 2 है, और फिर नंबर ऑफ v की वैल्यू कितनी है 1, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आप निकालते हो बच्चा बाटी, तो m डिवाइड बाय v करते हो, है ना, तो m into v एंड डिवाइड बाय 2 into 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर। तो इसको एक बार अपने हैंड से सॉल्व कर लेना, मैंने थोड़ा फास्ट कराया, टाइम कम है मेरे पास, डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए मुझे कराने हैं ये, इस टाइप का क्वेश्चन बफर का आपके पेपर में 100% आएगा, तो इसको अभी जाके सबसे पहले यही वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, कर लोगे ना? Yes, yes. कर लिया, बस एंटी लॉग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि जैसे कि 10 की पावर ये लॉग लिया ना 10 की पावर माइनस 0.3 मैम, इसमें दिक्कत होती है, बाकी तो पूरा सॉल्व हो गया अभी। तुमने वो अपने फिजिक्स वाले टीचर से एंटी लॉग निकालना सीखा नहीं है? नो मैम अभी नहीं सीखा। एक बात बताओ पहले मुझे, मैंने एक लॉग और एंटी लॉग की टेबल बनाई थी, वो बाकी बैचेस को दी थी अपने हाथ से लिख के, आपको दी है मैंने? नहीं मैम, मैंने भी मैसेज करा था आपको। नो मैम, ठीक है देखो मैं बिजी होंगी तो भूल गई होंगी, आप क्लास के बाद मुझे अभी मैसेज करना कि मैम वो एंटी लॉग और लॉग की टेबल दे दो जो आपने लिखी है, मैं आपको मैसेज कर दूंगी, ठीक है? मैम ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। मैम ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक है। चलो अभी ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन लास्ट ही है, और मुझे आपको एक और चीज दिखानी है। अब देखो, the solubility product Ksp of the following compound are given 25 degree centigrade, ठीक है। तो ये दिया है AgCl, AgI और PbCrO4 और Ag2CO3 and Ksp। अब देखो पता है, चलो मैं क्वेश्चन कराती हूँ फिर बताती हूँ आपको, 1.1 into 10 की पावर ये इसकी वैल्यू दे रखी है। अब बच्चा पार्टी आप एक बात बताओ, आपको फॉर्मूले पता है Ksp का फॉर्मूला क्या होता है? S is equals to delta Ksp, तो हम इसे लिख देते हैं Ksp, मैंने पढ़ाया था S स्क्वायर, लिखते हैं कि नहीं लिखते? अगर केस नंबर 1 की बात करें तो AgCl कितना दिया है? S इज इक्वल्स टू रूट 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10, जो आप इसे सॉल्व करोगे तो 10 की पावर माइनस 5 आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा? अगर हम शॉर्ट में सिर्फ 10 की वैल्यूज निकाले, उनकी माइनस 5 है माइनस 4 है, उसके अकॉर्डिंग भी तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं पूरा ना, बिल्कुल बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा इसमें वैसे बताना क्या है कि इसकी सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी, इसमें ये बताना है कि आपका लेस सॉल्युबल क्या है। अच्छा वो मैंने लिखा ही नहीं है इसमें, मैं लिख दे रही हूँ। अरे मैं ना इतना बिजी चल रही हूँ ना आजकल, तो मैं बड़ा जल्दी जल्दी में ये स्लाइड लिखी है। आज आपने राइटिंग नहीं देखी कैसे लिखी है मैंने, बहुत जल्दी में।
मैं लिख दे क्या 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 लग रही है मैम? डेली जैसी लग रही है राइटिंग तो। अच्छा मैंने स्लाइड जल्दी में लिखी थी, द मोस्ट सॉल्युबल एंड लीस्ट सॉल्युबल बताना है इसमें, ठीक है? कंपाउंड और, लेकिन पता है ट्वेल्थ में हमारा बहुत फायदा हो जाएगा, जो भी टॉपिक हम पढ़ा करेंगे ना ट्वेल्थ में, रेस्पेक्टली लिख दिया है मैंने शॉर्ट में, ट्वेल्थ में हम लोग ना जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके हर टॉपिक के बाद उसके तुरंत बाद 2-3 क्लास आपको रिवीजन की मिला करेंगी। जैसे अभी हमने क्या किया, अभी तो हमारे साथ ऐसा हुआ टाइमिंग की वजह से सेशन लेट हुआ कि हमने जो चैप्टर पढ़ा वो जिस दिन खत्म हुआ उसके अगले दिन नए चैप्टर पे आ गए। ट्वेल्थ में हमने इस तरीके से डिजाइन नहीं किया है, 1 अप्रैल से इसीलिए शुरू कर रहे हैं कि जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसके 2-3 दिन उसका रिवीजन करेंगे ताकि आपकी चीजें स्मूथली चले और प्रॉब्लम ना आए। समझ गए ना? यस मैम। यस मैम। तो देखो ये इसका 10^5 आ गया। Ag2CO3 सबसे ज्यादा सॉल्युबल आ रहा है। हाँ तो, और एक और बात मैं बता दूं इसमें, हाँ मेरे को एक और बात याद आई कि Agi lowest soluble है। हाँ तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो देखो ये आएगा Agi एंड PbCrO4, दिस इज द आंसर। ठीक है, कर लोगे या पूरा सॉल्व कराऊं? मैम Agi जो है वो लेस लीस्ट सॉल्युबल है ना, सॉल्युबल है, और AgCl तो मैम मोस्ट सॉल्युबल। मैं निकाल देती हूं, अरे मैं निकाल देती हूं, डोंट वरी, मैं निकाल के बता देती हूं आपको कौन सा लीस्ट है और कौन सा वो है, फटाफट कर देती हूं, चिंता ना करो। अभी हमारे पास आधा घंटा है ना, मतलब 15 मिनट तो है ना, 20 मिनट है, पूरे 20 मिनट, डोंट वरी। AgI ठीक है, ये हो जाएगा 10^-16 दिया है उसने, तो S इज इक्वल टू रूट 10^-16, तो S इज इक्वल टू सॉल्व करोगे तो 8 आएगा ये, ठीक है? तो ये होगा लीस्ट सॉल्युबल, ठीक है? यस मैम। और अगर आप निकालते हो, ये निकालते हो अगर पीबी थर्ड वाला, जल्दबाजी में ना काम सही नहीं होता, वो 4, तो S इज इक्वल टू इसकी वैल्यू दी है 4 × 10^-4, ठीक है? तो सॉल्व करोगे तो 2 × 10^-2 है, ये मोस्ट सॉल्युबल होगा, ठीक है? मोस्ट सॉल्युबल। अब अगर इसका निकालते हो आप, KSP निकालते हो फोर्थ का, ठीक है? तो फोर्थ में थोड़ा सा नाटक है, KSP अगर इसका निकालोगे Ag2CO3, तो बच्चा पार्टी अगर आप इसे तोड़ोगे तो ये 2 Ag में टूटेगा, ठीक है? प्लस, और ये कितने नेगेटिव चार्ज में टूटेगा, 2 में, ये तो पढ़ाई होगा आपने, है ना? yes, तो अब देखो जो इसकी वैल्यू है, जो हम निकालेंगे इसका KSP, वो इक्वल टू हो जाएगा 2s का स्क्वायर, ठीक है, और s स्क्वायर, तो ये टोटल आएगा 4s³, ठीक है? तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो KSP 4 और यहाँ पे 1/3 एंड 8 × 10^12 डिवाइड बाय 4 एंड ये होगा 1/3, तो ये आएगा 2 1/3 × 10^4, इसको सॉल्व करके देखना। तो बेसिकली जो हमें मतलब है वो दो ही आंसर से है, एक तो मोस्ट सॉल्युबल कौन सा था और एक आपका लीस्ट सॉल्युबल कौन सा था, ये क्वेश्चन है। तो मतलब सॉल्युबिलिटी का टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में है। अब देखो मैं एक काम कर रही हूँ, आपको एक बार वो पेपर दिखा रही हूँ जहां से मैंने ये क्वेश्चन कराए थे और कौन कौन से क्वेश्चन रह गए हैं जो आपको करना है। ये वाली स्क्रीन ऑफ कर दूं? मैम एक बार क्वेश्चन दिखा दो एक बार इसका, दिखा देती हूँ, ये था क्वेश्चन, मैं इसको सेव कर लेती हूँ तब तक फाइल को। मैम इसको PbCrO4 है, उसका 10-15 का आपने कैसे मतलब 10-4 कर दिया? मैं भी यही बोलने वाली थी, वो 15 का आपने -2 लिखा है उसे, -2 बाहर। मैम अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो Ag2CO3 मोस्ट सॉल्युबल होगा। Ag2CO3 मोस्ट सॉल्युबल होगा? नहीं नहीं, वही सॉल्युबल है, कैलकुलेट करके देख। सुनो 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 सुनो, एक बार घर पर तसल्ली से कैलकुलेट करके देखना, कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? मैम एक वो ग्राफ वाला क्वेश्चन था ना मैम, मेरा उसमें सी का भी आंसर सही आ रहा था। नहीं वो सारे क्वेश्चन सारे सही हैं, ठीक है? क्वेश्चन में कहीं पे कोई गड़बड़ी नहीं है, मैंने खुद चेक कर रखे हैं। एक बार आप दोबारा घर पे करके देखना, फिर भी कोई दिक्कत आए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं कल और आज आपके लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है?
एनी टाइम एक मिनट मैम, जो PBCR04 है इसमें एस स्क्वायर ही लगेगा ना? हाँ एस स्क्वायर ही लगेगा, मैं इसका PDF बना दूँ बेटा, एक मिनट आप वेट करना। यस मैम भेज दीजिएगा, मैं फिर ये नोट्स में भेजना भी है ना, तो इस फाइल को बंद करने से पहले सेव करनी पड़ेगी। PDF ऑफ रिवीजन क्लास, रिवीजन क्लास रिवीजन क्लास थर्मोडायनेमिक और इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन देखो सॉल्व करने में टाइम तो लगता है बेटा। यस मैम आंसर निकलना पड़ता पूरा एंड तक। डेढ़ घंटे की क्लास में डेढ़ घंटे की क्लास में उतना हो नहीं पाता, क्लास कम से कम दो ढाई घंटे की होनी चाहिए, लेकिन अब तुम्हारी तीनों क्लास है ना आज, तो तुम्हें भी कितना टाइम देंगे हम, डेढ़ घंटे से ज्यादा रखेंगे तो भी दिक्कत है। यस मैम, यस मैम, मैम आंसर निकालने निकालने में बहुत टाइम निकल जाता है सबसे बड़ी, लेकिन जब आप लोग यूज टू हो जाओगे ना तो फिर तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी ट्वेल्थ तक, और दूसरा फिर हम तुम्हारी ट्वेल्थ क्लास तक इतनी अच्छी लेवल की तैयारी करा देंगे ना कि ये सब चीजें तुम्हें रट जाएंगी भाई। अभी तुमने भी तो इलेवेंथ में कदम रखा ही है ना? यस मैम। तो गवर्नमेंट ऊपर गवर्नमेंट ने ठीक है दो साल बनाई है भाई नीट की, लोगों ने पढ़ाई भी मिड टर्म के बाद ही करी है। यही तो है हमारा जो दिल्ली का प्रोजेक्ट है, ये अवंती का जो पूरा दिल्ली का प्रोजेक्ट है वो भी तो लेट शुरू हुआ है ना, नवंबर से शुरू हुआ है, कदम रखते ही इलेवंथ खत्म हो गए। हाँ इलेवंथ में कदम रखते इलेवंथ खत्म हो गई, फाइनल तो मतलब किसी की कोई गलती नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी हमने इतने कम टाइम में चीजों को ग्रिप किया है बहुत अच्छे से, ये भी बहुत बड़ी बात है भाई, इतने कम टाइम में चीजों को करना, छोटा मोटा टास्क थोड़ना है। यस मैम। और फिर सेकंड टर्म की एक और दिक्कत, सेकंड टर्म के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे बड़े बड़े हैं। हाँ, और मैम फर्स्ट टर्म भी आ रहा है, तो मैम फर्स्ट टर्म तो अच्छे से पढ़ा भी नहीं है हम लोगों ने। वही तो दिक्कत एक नहीं है, दिक्कत बहुत सारी हो गई है मैम। वो पेपर आ गया मैम, सेकंड टर्म तो मैम पढ़ लिया, मैम फर्स्ट टर्म पढ़ा ही नहीं है, अब लग रहा है क्या ही पेपर देंगे कभी कभी तो बहुत। लेकिन एक चीज मान लो CBSE बहुत इजी है, तुम लोग इतने टफ टफ लेवल के नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, CBSE में कुछ नहीं है, CBSE तो तुम्हारा हो जाएगा, CBSE हम तुम्हें 3 दिन का क्रैश कोर्स करा के बढ़िया नंबर दिला देंगे, मुझे CBSE की बिल्कुल चिंता नहीं है आपकी, मुझे नीट का चिंता है बस। मैम सेकंड टर्म तो अच्छे से पढ़ लिया ना, मैम फर्स्ट टर्म की चिंता है बस, फर्स्ट टर्म में टाइम भी नहीं मिला था हमें, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगी मैम। रिकॉर्डिंग बंद कर दो। अरे ये रिकॉर्डिंग बंद ही नहीं हो रही है, पता नहीं गूगल मीट दिक्कत कर रहा है शायद, और क्लिक ही नहीं हो रहा है इस पे ऑप्शन पे, हे भगवान। मैम भेज देना, नहीं मैं आपको एक बार दिखा दूं बस, प्लीज 2 मिनट जाओ, मुझे 2 मिनट दे दो।